कोलकाता रेप मर्डर मामले में आरोपी संजय रॉय की बहन का बड़ा बयान आया सामने। आरोपी की बहन बोली, 17 साल से भाई से नहीं हुई बातचीत, अगर गलत किया है तो सरकार की हर सजा मंजूर। छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, लिखा, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास कार्यों की समीक्षा होगी। पीएम मोदी आज केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के नेताओं से बैठक करेंगे। एक दशक में पहली बार पीएम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। राजधानी रायपुर में अमित शाह नक्सल विरोधी अभियानों पर कई बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। नक्सल प्रभावित 7 राज्यों के मुख्य सचिव डीजीपी और अधिकारियों के साथ 3 अलग अलग बैठक होंगी। इसमें छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रमुखों के शामिल होने की संभावना। बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल विरोधी अभियान और विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। 25 अगस्त को सहकारिता विभाग की बैठक चलेंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर गृहमंत्री अमित शाह ने 10 सवाल पूछे, कहा, क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अलग झंडे का समर्थन करती है? जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी गठबंधन पर अमित शाह का हमला, कहा, सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में एनसी के साथ गठबंधन कर फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा। अमित शाह के सवालों से बौखलाए कांग्रेस नेता राशिद अल्वी, कहा, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस देशद्रोही है तो उनको गिरफ्तार करके जेल में क्यों नहीं डाल दिया जाता? नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुनाव में क्यों हिस्सा लेने दिया जा रहा? जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की डील पर भड़की भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस एनसी गठबंधन के खिलाफ आज देश भर में प्रदर्शन करेगी बीजेपी। जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मी तेज। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर बीजेपी ने की पहले दौर की बैठक। गृहमंत्री अमित शाह को 60 से अधिक सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों के बारे में दी गई जानकारी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत 23 नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज बिना अनुमति के प्रदर्शन करने का आरोप। पुलिस को गुमराह करने का दर्ज हुआ मुकदमा। हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने पेश की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी, कहा, अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान करेगी। दिल्ली के तिलकनगर मार्केट में फायरिंग, सिंगला स्वीट्स की दुकान पर गोलीबारी, बाइक सवार हमलावरों को वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा। फायरिंग की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, मौके से 4 खाली कारतूस किए गए बरामद। किसी शख्स के घायल होने की कोई खबर नहीं, मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। हरियाणा के रोहतक में पहलवान पर हुआ जानलेवा हमला। रोहतक के गांधरा गांव में पहलवान पर हुई फायरिंग, वारदात के बाद हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गया आरोपी। राजस्थान के भिवाड़ी में ज्वेलर्स की दुकान में बदमाशों ने की लूट, मौके पर फायरिंग भी हुई, लूट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के रायबरेली में ज्वेलर्स की दुकान पर ग्राहक बनकर आए टप्पेबाजों ने उड़ाया 30 ग्राम का सोना, दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये पूरी वारदात। शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। असम के नागांव में दुष्कर्म के आरोपी की डूबकर मौत, क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान आरोपी ने की थी भागने की कोशिश, मामले में फरार दो और आरोपियों की तलाशें जारी। अयोध्या में शराब के पैसे मांगने पर सेल्समैन से लाठी डंडों से पीटा गया, शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया, हिरासत में लिए गए 4 आरोपी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में युवक की पिटाई के आरोप में पुलिस ने बदमाशों को किया गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपियों से अवैध हथियार भी बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मंदिर के अंदर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, झड़प के दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जांच जारी। रामपुर में दिमागी बुखार की वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे पेरेंट्स, बच्चों के माता पिता ने जताया विरोध, हालांकि सीएमओ ने वैक्सीन को बताया सेफ। तिरुचिरापल्ली मालयार्ड में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, इधर मंडल और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल की और ट्रेनिंग की। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन, अलग अलग जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्र, नकल रोकने के लिए पुलिस ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर योगी सरकार की तैयारी से अभ्यर्थी खुश हैं, परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए फ्री बस सेवा का लाभ अभ्यर्थी ले रहे हैं। निष्पक्ष और कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन को लेकर सीएम योगी को धन्यवाद दे रहे हैं। सोनभद्र में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए आए अभ्यर्थियों की हुई परेशानी, सोनभद्र में बस की उचित व्यवस्था न होने से नाराज थे अभ्यर्थी। यूपी के मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया, कहा, अगले 2 सालों में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे, पहली खेप में 60,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया जारी। लखनऊ में पेपर लीक की अफवाह फैलाने पर सपा के पूर्व मंत्री यासर शाह के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया है केस, अफवाह को लेकर के सपा के पूर्व मंत्री जल्द पूछताछ कर सकती है पुलिस।
जम्मू के अस्पतालों में बढ़ाई गई सुरक्षा, डॉक्टरों चिकित्सा कर्मचारियों की सुरक्षा का रखा जा रहा ध्यान, कोलकाता कांड के बाद प्रशासन अलर्ट। सीतापुर में निकाला गया शांति मार्च, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के एकजुट हुए हिंदू संगठन। मेघालय में पकड़े गए 4 बांग्लादेशी नागरिक, 2 बच्ची, 1 शख्स और महिला को हिरासत में लिया गया, पकड़े गए लोगों से पूछताछ। नोएडा पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर चलाया चेकिंग अभियान, जीआईपी मॉल समेत कई जगहों पर चलाया गया अभियान, आने वाली गाड़ियों की भी चेकिंग की गई। दिल्ली के दयालपुर में एक मदरसे के अंदर संदिग्ध हालत में बच्चे की मौत हो गई, सूचना के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर जांच जारी। दिल्ली नगर निगम के कस्तूरबा गांधी अस्पताल में बिजली गुल होने से एक नवजात की हुई मौत, परिजनों का आरोप, बिजली बाधित रहने से मशीनें हुई थी प्रभावित, अस्पताल प्रशासन आरोपों का कर रहा है खंडन। कस्तूरबा गांधी अस्पताल की घटना को लेकर दिल्ली बीजेपी ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी, दिल्ली एलजी से अस्पताल का जायजा लेने की अपील की, घटना के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। कस्तूरबा गांधी अस्पताल में बिजली गुल होने के दौरान नवजात की मौत की तत्काल जांच शुरू करने के निर्देश, मेयर शैली ओबराय ने एमसीडी कमिश्नर को तत्काल जांच शुरू करने का आदेश दिया। नेपाल के पोखरा में हुए बस हादसे में मारे गए लोगों का शव आज महाराष्ट्र पहुंचेगा, हादसे में मारे गए 24 लोगों के शव आज महाराष्ट्र लाए जाएंगे। मेडिकल इमरजेंसी के कारण इंडिगो की बेंगलुरु पटना फ्लाइट नागपुर में उतरी, विमान में सवार यात्री को नागपुर के अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के जौनपुर में धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वीडियो में एक शख्स सड़क पर दुर्गा पूजा का पंडाल न लगाने का धमकी दे रहा है, पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपी की तलाश जारी। बिजनौर में एक लड़की को इंस्टाग्राम पर भेजे गए अश्लील मैसेज, विरोध करने पर आरोपियों ने मोहल्ले में मचाया उत्पात, भारी तनाव के बाद इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। यूपी के लखीमपुर में बाढ़ से भारी नुकसान की आशंका, पानी में डूबा करसौर का रपटा पुल, सैकड़ों बीघा फसलें बर्बाद। रायबरेली में गंगा की धारा में बहा शवदाह, ग्रामीणों ने प्रशासन को दी मामले की जानकारी। और शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी साझा की, बोले प्यार और समर्थन के लिए सभी का शुक्रगुजार। मणिपुर पुलिस ने पहाड़ी इलाकों में चलाया तलाशी अभियान, कार्रवाई के दौरान बरामद की गई संदिग्ध चीजें आगे की जांच में जुटी थी। फ्लैट कब्जाने को लेकर दिल्ली पुलिस के जवान ने की व्यापारी की हत्या, दृश्यम फिल्म से लिया मर्डर का आइडिया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, हत्या में इस्तेमाल हथियार और एक कार बरामद। बागपत में विधवा महिला को दिया शादी का प्रस्ताव, भाई के विरोध पर दोनों पक्षों में जमकर चली लाठियां, पथराव में महिलाएं समेत कई घायल, इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। रायबरेली के गंगा के पुल पर मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वायरल वीडियो के आधार पर ही आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बुलंदशहर में दो समुदायों के बीच मारपीट में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत, मामूली बात को लेकर के विवाद में डीबाई के करौली गांव में हुआ था संघर्ष और आगजनी। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों ने मामूली विवाद में घर में घुसकर मारपीट कर डाली और पथराव में 4 लोग घायल बताया जा रहा है, मारपीट और पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, मामले की जांच जारी। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों ने रिटायर्ड फौजी को लाठी डंडों से जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने 10 हमलावरों के खिलाफ दर्ज की रिपोर्ट। यूपी के बदायूं में भारत बंद कार्यक्रम के दौरान सिपाही को पीटने के मामले में 6 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, मारपीट का सीसीटीवी सामने आने के बाद पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। अंबेडकर नगर में दलित नाबालिग लड़की से बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास और 10,000 रुपए का लगा जुर्माना, पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा। यूपी के बलिया में धड़ल्ले से हो रही गौ तस्करी और पिकअप और मैजिक की गाड़ियों से ही इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, गौ तस्करी की घटना से स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश है, पुलिस से तस्करों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। मथुरा में दिनदहाड़े पंचायत के बीच एक युवक की गोली मारकर हत्या, घटना से आक्रोशित तो लोगों ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके जाम खुलवा लिया, पुलिस ने आरोपी कृष्णा को भी गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में दवा व्यापारी समेत उसके परिवार की महिलाओं को गाड़ी से खींच कर सरेराहा पीटने और गाड़ी से तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया। दिल्ली के चाणक्यपुरी में जलभराव बना, बच्चे की मौत की वजह, बारिश में पानी में डूबने से 15 साल के बच्चे की मौत हो गई है, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के जांच शुरू की। यूपी के लखीमपुर खीरी में सांप को डिब्बे में बंद कर इलाज कराने शख्स पहुंचा, सांप के काटने से घायल हुआ था, डिब्बे में बंद सांप को देखकर अस्पताल परिसर में हड़कंप।
बांग्लादेश के फैनी में बाढ़ का कहर, गर्भवती महिलाएं और बच्चों का किया गया रेस्क्यू, बाढ़ में मरने वालों की संख्या 30। जर्मनी में सोलिंगन शहर की 650वीं वर्षगांठ पर चाकूबाजी की घटना, हमले में 3 लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। रूस के राष्ट्रीय रक्षक दल के स्नाइपर्स ने 4 कैदियों को मार गिराया, कैदियों ने जेल के गार्डों को बना लिया था बंधक, इस्लामिक स्टेट समूह के प्रति निष्ठा की घोषणा की थी।